ये है इंडियन फूडी और आज हम बना रहे हैं वेज बिरयानी। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज बिरयानी, जिसके लिए हमें चाहिए एक कप चावल, एक बड़ा प्याज कटा हुआ, एक बड़ा टमाटर कटा हुआ, एक चम्मच हल्दी, नमक, खड़ा जीरा, धनिया पत्ता, एक चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट और मिर्ची का पेस्ट, और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक चम्मच बिरयानी मसाला, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर। और सब्जियों में हमने लिया है बीन्स, गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और मटर। तो चलिए अब हम बिरयानी बनाते हैं। सबसे पहले चावल को अच्छे से धो लें, फिर उसको 15 मिनट तक भिंगो कर रख लें। हमने चावल में पानी डाल दिया है, अब इसे 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे और उसे गरम करेंगे। और जब तेल गरम हो जाए उसमें जीरा डाल दें। जब जीरा फ्राई हो जाए उसमें प्याज डाल दें। और प्याज को फ्राई कर लें थोड़ा सा। प्याज हमारे हल्के फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। गोभी, गाजर, और फ्राई कर देंगे। अब इसमें शिमला मिर्च और मटर भी डाल देंगे। सभी फ्राई कर देंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट। तो मिक्स कर लेंगे। अब हम जीरा पाउडर मिलाएंगे और तो मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और उसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें चावल मिलाएंगे और चावल को भी सब्जियों के साथ थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अब हम इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे और सब फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने जिस कप से चावल लिया था उसी कप से 2 कप पानी मिला देंगे। हमने पानी डाल दिया है, अब हम इसमें हल्दी और नमक डालेंगे। नमक हम 2 चम्मच डाल रहे हैं, आप स्वाद अनुसार डाल दें। हल्दी 1 चम्मच डालेंगे।
और इसे मिक्स कर लें। और अब इसमें गरम मसाला डाल दें, इसे भी मिक्स कर लें। अब इसे ढककर 15 मिनट तक इसे पकने दें। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक करेंगे हमारी बिरयानी बनी है या नहीं। हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे प्लेट में निकालकर सर्व कर सकते हैं। हमारी वेज बिरयानी बिल्कुल तैयार है, आप इसे ऐसे सर्व कर सकते हैं।